आर्थिक तंगी सहित तमाम अन्य समस्याओं से जूझ रहे नेत्र चिकित्सालय संचालकों ने बागेश्वर स्थित अस्पताल को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले की सूचना जब यहां के लोगों को मिली तो लोगों ने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय पहुंचकर अस्पताल को बंद न करने का अनुरोध किया, साथ ही आर्थिक मदद का भी भरोसा दिलाया है। सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दलीप सिंह हेतवाल, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता रावल सहित विधायक प्रतिनिधि गौरव दास ने सीतापुर नेत्र चिकित्सालय पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया तथा अस्पताल बंद न करने का अनुरोध किया, साथ ही आर्थिक मदद का भरोसा भी अस्पताल प्रबंधन को दिया है। यहां बता दें कि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय बीते कई सालों से बागेश्वर में लोगों को सेवा दे रहा है। अस्पताल के बंद होने से बागेश्वर के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले एक दर्द महसूस करता हूं कि जब हम बचपन से कहते थे कि सीतापुर आय अस्पताल, ये एक जन जन के और एक आस्था का केंद्र था, ये आय अस्पताल नहीं था, सीतापुर का जो नाम था, क्योंकि बहुत इनने सेवा की। लेकिन इनने बहुत प्रयासों से, सारे बागेश्वर वाले, हमारे पूर्व प्रिय प्रमुख जी, पूर्व प्रमुख इंद्र सिंह प्रयास जी ने इस पर बहुत प्रयास किए और उनके साथ हम भी इस पर काम करते हैं। लेकिन आज हमें पता लगा कि ये अस्पताल बहुत खुश हालत में है और ये हम शॉर्ट नोटिस में सारे शहर के लोग आए और माननीय विधायक के प्रतिनिधि हमारे गौरव दास जी आए। उन्होंने कहा कि यार मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्हें मैं प्रतिवर्ष जो है विधायक ने 2 लाख दूंगा। मैं तो भगवान बागनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा विधायक बनेंगे तो ये 2 लाख हमको आते रहेंगे, ये भी मेरी आज शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर हमको भी यह कि हमारा सीनियर सिटीजन एक ट्रस्ट है, हमने यह कहा कि समाज के लिए हम कुछ करते रहते हैं, इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं बागेश्वर वालों को कि पैसे के रूप में, हम हमारे बहुत बड़ी संस्था है लेकिन हम संस्था के सब आदमी को देख रहे हैं, कुछ लोग हम उसमें इंटाइटल होंगे और हम 50 वर्ष प्रतिवर्ष सीनियर सिटीजन इसमें देते रहे। और मैं दीपराज शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 1927 का जो है इसकी वो रूपरेखा बन गई और आज 100 वर्ष इसको हो। और लेकिन सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बना 2001 में, सरकार ने हमारा बजट रिवॉल्विंग फंड जो था वो नहीं दिया, ये बहुत दुखदायी का सामान है। और जबकि सरकार को प्रति वर्ष 4 लाख रुपया इसमें रिवॉल्विंग फंड देना चाहिए और यह अस्पताल करना चाहिए। मैं सबको विधायक के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है, कोई भी सरकार, इसमें 4 लाख रुपया रिवॉल्विंग फंड दे, प्रति वर्ष दे और यहाँ की जनता की सेवा हो सके। और मैं डॉक्टर साहब को विशेष तक जो है, हमारे डॉक्टर साहब से भी निवेदन करता हूँ, बहुत दिन से जब तक इन्होंने हमें इतनी बातें नहीं बताते पता नहीं लगता। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसे हमें आज सूचना मिली थी कि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय से जो इनके हेयर अथॉरिटी यहाँ पर आ रहे हैं, तो मिस्टर डी के शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे थे और बहुत से हमारे जितने भी हमारे समाज सेवी हैं और बहुत वरिष्ठ लोग हैं वो लोग यहाँ पहुंचे थे। हमें पता चला था कि जो सीतापुर नेत्र चिकित्सालय है वो बहुत सी कमियों से जूझ रहा है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद वो अपनी बागेश्वर की शाखा को यहाँ पर बंद कर रहे हैं, तो सभी लोगों को चिंता हुई और सभी लोग यहाँ पर एक शॉर्ट नोटिस में पहुंचे। और जैसा डॉक्टर जो हमारे शर्मा जी ने बताया कि बहुत सी परेशानियां हो रही, विगत वर्षों से चलाने में दिक्कत हो रही है, और लेकिन चूंकि सीतापुर नेत्र चिकित्सालय एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत पुरानी संस्था है जो यहाँ के नेत्र से पीड़ित व्यक्तियों को, मरीजों को बहुत यहाँ पर उन्होंने सेवा दी है, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों का एक दर्द था भी कि इस संस्था ने आगे अच्छा काम करना चाहिए और इस संस्था को लगातार काम करना चाहिए और जो भी दिक्कतें आ रही है सब मिलकर के उसको निपटाएंगे, उनको पूरा करेंगे, जो भी कमियां हो रही हैं। तो उसमें बहुत सा ऐसे बातें आई, बहुत से निर्णय लिए जिसमें माननीय विधायक पार्वती दास जी के निर्देशानुसार मुझे भी यहाँ पर भेजा गया था और जैसा हमें बताया गया तो इस चिकित्सालय को चलाने के लिए 2 लाख रुपया प्रति वर्ष विधायक निधि से हम लोगों ने देने का यहाँ पर घोषणा की है जिससे कि चिकित्सालय चलता रहे। और बहुत से हमारे वरिष्ठ हैं, दिलीप सिंह खेतवाल जी, आदरणीय हरीश सोनी जी हैं, तिवारी जी हैं, सभी लोगों ने कहा कि हम लोग सीनियर सिटीजन से भी यहाँ पर 50,000 रुपये साल का देंगे और 25,000 रुपये हमारे दीपलाल साजी हैं, उन्होंने कहा कि हम अपने खर्चे से हम इसको देंगे। तो सब लोगों का योगदान है कि ये चिकित्सालय चलता रहे और समाज की सेवा करता रहे। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।